तो गाइस यार आज की वीडियो में हम लोग मिलाने वाले हैं क्रिश और फ्लाइंग जेट को और उनका करने वाले हैं फ्यूजन। फिर देखते हैं यार कौन सा नया सुपर हीरो बनता है। और आपको तो बताइए इंडियन सुपर हीरोज कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस यार हमें यार कैसे भी करके यार फ्लाइंग जेट को इधर बुलाना पड़ेगा ताकि हम उसको पकड़ सके। इसलिए मैंने बनाया बहुत ही बढ़िया वाला प्लान। यहाँ पे एक ही लड़की है, मैंने इसको बता दिया इसको क्या क्या करना है। तो यहाँ मैं इसके ऊपर सर के ऊपर गन रखने वाला हूँ और ये बहुत तेज तेज चिल्लाने वाली है, फ्लाइंग जेट को बुलाने वाली है। तो शुरू करते हैं। फ्लाइंग जेट मुझे बचा लो, ये मुझे मार देगा। फ्लाइंग जेट, अरे हाँ और तेज चिल्ला। फ्लाइंग जेट। A few moments later. बच्चियों क्या समझ नहीं आता, मैं हूँ फ्लाइंग जेट। अरे ये क्या, मैं तो गिर गया, पर कोई बात नहीं, किसी को मेरी जरूरत है, मैं आ गया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब एक काले लड़के क्यों परेशान कर रहा है इसको। और ये मेरा प्लान काम कर चुका है, तू अब नहीं बचने वाला, ये ले निकल यहाँ से। तो गाइस सर अभी इसको फटाफट से मैं करंट दे दे के इसको यहाँ पे बेहोश कर दिया। अरे फिर से उठ रहा, ये ले फिर से करंट मार दिया, क्योंकि अच्छा है मैं ये वाली गन ले गया था, बहुत ही बढ़िया गन, ये मस्त करंट मारती है और इंसान यार बेहोश हो जाता है। तो अभी अपना फ्लाइंग जेट बेहोश हो चुका है। तो अभी यार अपन फटाफट से इसको लेके चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर क्रिश और इसका फ्यूजन करने वाले। तो फटाफट से इसको पानी के अंदर गिरा देते, ये बहुत ही खतरनाक वाला पानी है, इसके अंदर हमें यार क्रिश को भी लाना पड़ेगा, उसके बाद ही इनका फ्यूजन होगा। ये पानी मतलब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और क्रिश को भी लेके आते हैं। गाइस यार फटाफट से कमेंट बताओ आपका कौन सा फेवरेट है, क्रिश या फिर फ्लाइंग जेट, फटाफट से कमेंट में बता देना। तो गाइस यार अभी हम पहुंच गए क्रिश के ऑफिस में। मुझे पता चला है कि वो अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, मतलब यार वो पूरे टाइम यार देश की सिक्योरिटी में देखता रहता है, मतलब कोई कहीं कुछ कांड तो नहीं चल रहा, तो यार इसलिए वो अपने ऑफिस में। तो मैं भी आ चुका हूँ उसके ऑफिस में घुसने वाला हूँ। और यहाँ पे यार गार्ड्स खड़े, तो मेरे को इनको तो कैसे भी करके मारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इनको मारे बिना जाने का। 3, 2, 1 और ये दोनों को मैंने मार दिया। अभी काम करते फटाफट से इस वाले गार्ड्स के कपड़े पहन लेते हैं। तो गाइस यार अभी सिक्योरिटी गार्ड के मैंने सारे सारे कपड़े पहन लिए, मैं बिल्कुल सेम लग रहा, तो फटाफट से अंदर चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अंदर जा रहा हूँ सिक्योरिटी देख दे। अरे मेरी बात सुनो, तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो, ये गोल्डन शॉटगन तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमारे पास सबके पास तो सिर्फ नॉर्मल शॉटगन है। अरे क्या 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 वो मैं लेके आया हूँ अभी। अरे क्या, मुझे लगता है ये कोई घुसपैठ है, इसको मारो। अबे ऐसे कैसे मारो? अरे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अबे अबे क्या हो गया भाई, गुस्से में क्यों, निकल यहाँ से। ये तू भी खा, ये दूसरा गया, ये तीसरा भी गया। अबे टकले हट जा साइड में, अबे हट ये। अरे 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 इतने सारे जने क्यों मारो एक साथ, ये ले निकल, तू भी निकल और ये तू भी निकल। अरे तू का मारा, रुक जा रुक जा, इसको मैं बता दो, ये ले निकल। तो अभी मैंने इन सबको मार दिया भाई, कितना परेशान कर रहे थे। मैं फटाफट से कपड़े चेंज कर लेता हूं, क्योंकि अब मतलब नहीं होगा, सिक्योरिटी को पता चल चुका है। तो गाइस सर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन और फॉलो कर लेना, वहां पे मस्त मस्त बात करेंगे। और अभी ये कौन है? अरे यार बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अरे मैं तो अंदर जा रहा हूँ, आप जाने दोगे तो जाऊंगा ना। अरे बेटा मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अरे भाई क्यों नहीं जाना था, कि मुझे काम है। नहीं पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी बीवी मेरे से चुपन चुपाई खेल रही है, जाओ उसे ढूंढो। अरे यार ये क्या काम करना पड़ रहा है, जाओ वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अरे यहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस सर अभी मुझे इसकी बीवी को ढूंढना पड़ेगा, वो नीचे वाले फ्लोर पे। तो अभी मैं आ चुका हूँ 47th floor पे। तो अभी फटाफट से देखते हैं इसकी बीवी कहाँ पे, यहाँ पे कितना ज्यादा अंधेरा हो गया, ये कोई टाइम है छुपन छुपाई खेलने का, और ये कोई एज है छुपन छुपाई खेलने की, इतने बूढ़े हो गए और ये छुपन छुपाई खेल रहे, और इसकी मुझे बीवी मिल चुके। अरे वो दीदी जल्दी चलो, आपका पति ऊपर बुला रहा है। अरे नहीं नहीं मैं नहीं चलूंगी, हम छुपन छुपाई खेल रहे। अरे चलो ना। अरे नहीं चलूंगी। अरे चलो यार इसको फॉरो बचाओ, सॉरी चलना। ओबे अबे अबे मैंने क्या कर दिया, अबे मैं डंडा मार रहा था गलती से, वो आगे का कुल्हाड़ी का लग गया। अबे शिट मैंने ये क्या कर दिया, मैंने उसको मार ही दिया। अब लगता है उसको गेंडे को भी मारना ही पड़ेगा, जो ये ब्लू कलर का इंसान है, पता नहीं जानवर है, इसको मेरे को कैसे करके मारना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी बीवी तो मर चुकी है, अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये मुझे मारने लग जाएगा। ये ले ये एक और खा और ये एक और खा, और इसको तो मैंने मार दिया। चलो मैं काम कर इसकी बॉडी यहाँ पे छुपा दूंगा। अरे छोड़ो मेरे को क्या करना है, मेरे को तो क्रिश को ढूंढना है। क्रिश क्रिश कहाँ पे तू आ रहा हूँ साले, मैं क्रिश कहाँ पे? अरे यहाँ पे लड़के कहाँ पे करिए। अरे ओ भाई क्रिश कहाँ पे, फटाफट से बताओ ना तो मैं मार दूंगा। अरे क्रिश सर यहाँ पे नहीं है। अबे ऐसे कैसे नहीं है, उसका मेरे को पता है पीछे ऑफिस है ना, हटो साइड। अबे हटो ना यार, मेरे को साइड में से निकलना पड़ेगा। क्रिश क्रिश कहाँ पे? अबे मुझे लगता है ये फिंगरप्रिंट वाले गेट के पीछे। क्रिश बाहर निकल वरना मार दूंगा तुझे। अरे क्रिश सर बाथरूम में गए, आगे जाके लेफ्ट है बाथरूम। अच्छा अच्छा बाथरूम में है क्या? तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं, हमें पता चल चुका है क्रिश। अरे ये दिख क्या, अबे तेरे को नहीं छोड़ूगा, ये ले। मैं ही गिर गया, इसको तो कुछ नहीं हुआ। अबे हिलने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना, मैं तुझे मार दूंगा, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। हेला मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम कौन हो? अबे दिखाई कैसे नहीं दे रहा,
हाइला बताओ बताओ तुम कौन हो? मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ, रुक जा, अरे कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ चला गया? हाइला ऐसे चिरकुट लोग मैंने बहुत देखे, चलो मैं जा रहा हूँ, इसने मेरे बिल्डिंग की सारी सिक्योरिटी को मार दिया, मुझे यहाँ से जाना होगा। अबे ये कहाँ निकल गया क्रिश? अबे कहाँ चला गया? अबे कहाँ भाई, किधर से गायब हो गया? अबे ओए तुम दोनों बताओ क्रिश कहाँ पे गए? अरे हमें क्या पता तुम्हारे साथ होते सर। तुम कौन हो ये बताओ? अरे मैं क्रिश सर की गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ तो ये तो ना, ये ले, अगर तूने मुझे नहीं बताया ये क्रिश कहाँ पे तो मैं इसको भी मार दूंगा। अरे मुझे सही में नहीं पता। तो एक काम कर, फटाफट से क्रिश को यहाँ पे बुलाओ, वरना आज तू मरेगी, जैसे उसको मरा आज तू भी मरेगी। अरे ठीक है बुलाती हूँ क्रिश। हाइला मुझे सांप दिखाई दे रहा है, मेरी बीवी को मत मारो। अबे वो तो बोल रही तेरी गर्लफ्रेंड है। अरे तुमको नहीं बताना था? अबे वो छोड़, तेरे को मैं पकड़ लेता उसको, फटाफट से अपन पकड़ लेते हैं। अरे वापस बस खड़ा नहीं हो, इसको इतने सारे करंट दूंगा, ये ज्यादा ही होशियारी करता है, अभी तो भाग गया था ना, अब क्या वो बेटे, अभी इसको बुलाते ये बू। और इसकी मैंने बीवी, पता नहीं गर्लफ्रेंड कोई भी हो, उसको मैंने मार दिया और इसको भी मैंने बेहोश कर दिया। तो फटाफट से इसको लेके चलते फ्लाइंग जेट के पास और पानी में डालते और इन दोनों का फ्यूजन करते हैं। तो गाइस सर अभी फटाफट से इसको लेके चलते नीचे और फिर वहां से अपन चलेंगे अपनी सीक्रेट जगह पे। तो गाइस सर अभी मैंने इसको अपनी बाइक पे बिठा लिया, पीछे इसको लेटर दिया, अभी इसको मैं लेके जा रहा हूं अपनी सीक्रेट जगह पे, उस पानी में इसको फेंकूंगा और फिर मैं भी उसमें जाऊंगा और फिर तगड़ा वाला फ्यूजन होने वाला है, कुछ नया बनने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। तो फटाफट से इसको नीचे गिराते, यार ये सीधा गया पानी के अंदर, अभी तो फिर से ऊपर आया, अभी ये ले करंट खा और ये चला गया वापस पानी के अंदर, और मेरे ख्याल से अब ये अंदर बेहोश हो चुका है, हाँ ये पक्का मर चुका है। तो अभी फटाफट से अपन इस मशीन को शुरू करते हैं और अपना कंबाइनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये मशीन, इसको फटाफट से मैं स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से ये वाला बटन दबाना, यहाँ से ये वाला, और ये मशीन स्टार्ट हो गई। और भाई साहब ये जमीन तो बोल रही है, मुझे लगता है फटाफट से मुझे पानी के अंदर कूदना चाहिए, और यहाँ से कूदते सीधा पानी में। जी हाँ गाइस, मैं हो चुका हूँ अपग्रेड अपने सबसे खतरनाक इंडियन सुपर हीरो में, जिसका नाम है शक्तिमान। तो जो ये शक्तिमान का फ्यूजन है वो है क्रिश, फ्रैंकलिन और फ्लाइंग जेट का, और उसके बाद इतनी तगड़ी तगड़ी शक्तियां हमें मिल चुकी है। तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी शक्तियां, अभी यहाँ पे थोड़ी लगता है बुराई वराई चल रही है, तो फटाफट से इनको खत्म करते हैं, निकलो यहाँ से, सालों पुलिस वालों को परेशान करोगे। और मेरे पास स्पेशल शक्तिमान पावर्स भी है, अभी आप देख सकते हो भाई कितना खतरनाक मार रहा हूं, और ये मुक्का मारा सीधा उड़ के लोग जा रहे हैं, अभी इसको भी लेजर से अपन खत्म कर देते हैं। भाई साहब ये शक्तियां तो बहुत ही खतरनाक है, गलती से उस ट्रैक्टर को भी उड़ा दिया मैंने। भाई साहब ये ले, ये निकल यहाँ से, बुराई कर रक्षक है अपना शक्तिमान, बुराई का है नहीं सच्चाई का, बुराई का तो भक्षक है। वो सब छोड़ो, फटाफट से चलते देखते और कौन कौन सी शक्ति है। भाई साहब इस कार को बुलाते, भाई इसकी लेजर तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और हम कितना मस्त उड़ रहे हैं भाई, उड़ने में फुली मजा आ रहा है, और इस कार को भी हमने एक ही बार में उड़ा दिया। उड़े भाई साहब क्या ही स्पीड है उड़ने की, भाई 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 इसमें तो चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और इस ट्रक को मैंने बस टच करा और वो उड़ते हुए चली गई साइड में, और इसको भी मारते, ये ले भाई साहब क्या मजा आ रहा है भाई, मैं उनको सिर्फ टच कर रहा हूँ, वो उड़ते हुए जा रहे दूर दूर। तो ट्रेन को हिलाना GT5 में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर शक्तिमान के लिए नहीं, एक ही बार में टच करते हैं भाई, पूरी पूरी ट्रेन इधर उधर अलग हो चुकी है। और एक यार देखो वो डब्बा कहाँ गया, सारे सारे डब्बे अपन फेंक देते नाले के अंदर, तू भी जा, और इसको भी उठाते हैं, तू भी जा। और भाई देखो तो पूरी पूरी ट्रेन पूरी की पूरी पटरियों के ऊपर गिर चुकी है, मतलब यार कितनी ज्यादा शक्ति है शक्तिमान के अंदर, आप समझ ही सकते हो, पर इसका नाम ही शक्तिमान है, तो शक्तियां तो तगड़ी तगड़ी होगी। तो इसको फटाफट इसको भी गिरा देते हैं वहां पे, और लास्ट जो ट्रेन का मेन डब्बा था इसको भी फेंक देते हैं, इसकी शक्तियां बहुत ज्यादा मस्त है। गाइस फटाफट से कमेंट में बताओ आपको कैसी लगी हमारी शक्तिमान की शक्तियां, और आपको सबसे फेवरेट सुपर हीरो कौन सा लगता है, इंडियन सुपर हीरो, फटाफट से कमेंट में बता देना। अभी देखो मैंने उसको पूरा डुबा दिया पानी के अंदर, अभी चलते यार देखते हैं हम कितना ऊपर जा सकते हैं आसमान में, तो चलो एक बढ़िया सी फ्लाइट लेते। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड करें डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके जनरल फॉलो कर सकते हो, वहां पे बैठ के मस्त मस्त बातें करते हैं। और अभी भी आप देख सकते हो हम ऊपर जाए जा रहे हैं, मतलब कितना ऊपर आसमान में जाने वाले, देखते बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। अभी हम लॉस सेंटर्स के बहुत ही ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, मतलब बादलों के भी ऊपर आ चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये तो पूरा का पूरा स्पेस में जा सकते हैं, पर हम इतना नहीं जाने वाले। तो गाइस यार आज की वीडियो से इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।